भक्ति काल के कवि थे, हमारे हमारे पुराने वरिष्ठ वंशज हो गए तुलसीदास और ये सूरदास, इन लोगों ने जो बहाया भक्ति की धारा, तो कबीर नेपथ्य में चले। इतना आस्था का क्षेत्र होता है कि लगता है भी यही धर्म है। इनका तो ग्रंथ में ये लिखा है कि 8 वर्ष के थे तब मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए कृष्ण, ये मैंने नहीं लिखा है। अब 8 वर्ष के थे, उसके पहले ही ना ब्रज गोपिकाएं रही होंगी जैसे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, मगर वो राधा और कृष्ण की लीलाएं और वो श्रृंगार, ये कहां से होगा भाई? ये तो हम चरित्र हनन कर रहे हैं कृष्ण का। कृष्ण जो गीता का उपदेश देता है, कृष्ण जो विश्व का सबसे बड़ा फिलोसफर है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग सिखाता है, हम उसको क्यों इनको फायदा? ये जो प्रवचन चल रहे हैं, ये जो शुरू से ये तरह के जो पुराणों के आधार पर ये सब चल रहे हैं, इनको इसका लाभ है। इन्होंने नहीं सोचा देश को कितनी हानि है, हिंदू समाज को कितनी क्षति है, पूरा जो हम दुनिया में सिर उठा के चलते थे वो हम सिर उठा के नहीं चल पाए, और हमारी यही मूर्तियां सब तोड़ी गई। क्या मुझे इतिहास बताना पड़ेगा क्या? क्या सोमनाथ मंदिर का फिर से इतिहास बताना पड़ेगा क्या? तोड़ा गया था कि नहीं तोड़ा गया? यही मंत्र जो महामृत्युंजय मंत्र, यही सारे चमत्कार जो हम लिए बैठे थे तब भी, ये सब थे और हम कुछ नहीं कर पाए थे। वो मात्र चंद हजार लोग आए थे, लाखों में भी नहीं थे, और हमको परास्त किया था। ये इतिहास है, ये कल्पना नहीं है, ये इतिहास है। और 150 साल नहीं, 1000वीं शताब्दी के बाद 1947 तक कितने 100 साल आप गुलाम रहे थे, पहले मुस्लिम फिर अंग्रेज। तो ये जो बहुदेववाद है ये आपका मन भटकाता है, इसलिए जब वहां कहता है निराकार, ये जो संत कवि थे, ये जो साकार उपासना के कवि थे, जो विज्ञान विरोधी कवि थे, विज्ञान में धर्म के विरोध वाले कवि थे या प्रवचन करने वाले थे, उन्होंने कहा कि निराकार मन चक्र धावे सूरदास, निराकार मन चक्र धावे, इसलिए चलो मूर्ति के पास, चलो चित्र के पास, क्योंकि निराकार तो फिर मेरा मन चक्रा रहा है। मतलब ध्यान करने से जो वेद कहता है, मेडिटेशन के लिए कहते हैं, उससे तो आपका मन चक्रा रहा है। मुसलमान का नहीं चक्रा रहा है, ईसाई का नहीं चक्रा रहा, ये हिंदू का बहुत चक्राता है। अजीब आदमी हो आप, हिंदू का मन बहुत चक्राता है। और अब मैं कैसे कहता हूं कि साकार मन चक्र धावे, उसके मेरे वीडियो सुनिएगा आचार्य श्री हो रही यूट्यूब से सुनते रहिए। साकार मन चक्र धावे कैसे? आप 33 कोटि देवताओं में देवियों में 10-20 तो पूछते, कोई मंदिर चले जाइए तो एक का नहीं मिले, 8-10 तो बैठे ही होंगे, तो एक में आपकी आस्था नहीं है। अरे एक में आस्था रख लो, हम स्वीकार कर लें, चलो तुम्हारी साकार है, चलो एक में आस्था रख लो, एक ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म मान करके आस्था रखो, बात खत्म। लेकिन नहीं साहब, उसी समय दूसरा देवता आ जाता है कि भाई मैं मुझे क्यों भुला दे रहा, हनुमान जी आ गए, कृष्ण जी आ गए, राम आ गए, कितने के नाम लोगे आप सब, और आप सब की साधना करने लगे, सबकी आराधना करने लगे, तो साकार मन चक्र धावे हुआ कि नहीं हुआ? आपका मन चकरा रहा है कि नहीं चकरा रहा है? आपका मन स्थिर नहीं है? अगर अभी सिर्फ IAS की कोई तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, उसका मन अगर भ्रमित रहे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, हमारे आचार्य लोग जानते हैं, वही स्टूडेंट सेलेक्ट होकर के दिखाता है जो मन कंसंट्रेट कर, अगर मन उसका भटक रहा है तो कभी सफल नहीं होता। इसलिए हिंदू गुलाम हुआ, क्योंकि इसका मन भटकता रहता है। जब इससे कहा गया कि युद्ध कर, तो भी वो भटक रहा है कि अरे बाप रे, अभी तो हनुमान जी को साध लो, इसको साध लो, उसको साध लो, उसको साध लो, वो इसी में लगा रहा। अगर आज कृष्ण होते
और अर्जुन को उपदेश दे रहे होते तो हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्षे से महीम तस्मात उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। क्या कहा? कर्म मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग इसलिए था कि शस्त्रों के वो पारंगत थे। कहीं कृष्ण आज होते तो कहते एक अर्जुन उठ, घंटा घड़ियाला संघ बजा, मेरी पूजा कर, मेरे ऊपर फूल बतासा चावल अक्षत कर। ये ना कहते, भक्ति मार्ग तो ये इतना ही कराता है, मुझ पर भक्ति कर। युद्धाय कृत निश्चय तो कहते ही। तो आपको जो हमारे विद्वान साथी, अभी हमारी बेटी कह रही थी कि समाज, हम तो ये सब मानते हैं लेकिन समाज मानने नहीं दे रहा है, समाज में जीना होता है इसलिए हम चले जा, यही तो परीक्षा है आपकी, यही तो परीक्षा है। अगर यही दयानंद चले गए होते तो आर्य समाज की स्थापना नहीं है। तो यही परीक्षा है। तो मैं विज्ञान में धर्म में बस इतना ही कहकर के विराम करूंगा कि जो भी तर्क और आप अभी करेंगे या बाद में करेंगे, करते रहिए करते रहिए। आस्था ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुसार कुछ सिर फिरे लोग आस्था के प्रश्न उठाकर के आप पर एफआईआर कर सकते हैं। मेरे भी तमाम वीडियो ऐसे होंगे तो अगर कोई सिर फिरा हुआ तो वो एफआईआर कर सकता है। सावधानी रखिए, आप अपनी बात का समर्थन करिए, बिना वजह में गाली गलौज न करिए। कोई मूर्ति पूजा करने में लगा है आप नजर बचा करके ऊपर चलिए, मगर आप जिस पथ पर चल रहे हैं विज्ञान में धर्म की पथ पर चल रहे हैं, तर्क पूर्ण धर्म विज्ञान में से मेरा कहना है तर्क पूर्ण आस्था। और पूरे दर्शन में वहां हर दर्शन का जो तत्व शास्त्र होता है उसमें ये तर्क होती है, सिद्धांत से होता है। अभी मैं समाप्त करूं फिर आपका प्रश्न लूंगा। एक अभी कल की घटना है।